हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ मैं सभी बढ़िया होंगे, अपने घर पे मौज कर रहे होंगे। तो खाली खाली दिख रहा हूँ आज मैं, ऑलवेज पहले भी खाली ही होता था, बट आज कुछ आगे मॉडिफिकेशन आएगी। वो मॉडिफिकेशन ये आएगी, वो तो आपको जाके ही पता चलेगा कि क्या आएगी। तो चलिए, सबसे पहले अपने दोस्त भी कर रहे हैं रिंग रोड में प्रैक्टिस, तो उनसे भी मिल लेंगे, और थोड़े बहुत फ़ोटोशूट वगैरह करना है तो वो भी कर लेंगे। सब कुछ ख़त्म करने के बाद फिर हम चलते हैं इसका हैंडल चेंज करवाने। यस, वही हैंडल चेंज करवाने। तो चलिए भाई, निकलते हैं यहाँ से, और ले लिया हमने राइट, तो जाएंगे वहीं हम अपने बंदे के पास, अपने भैया के पास, क्योंकि काम वही से ही करते हैं और तो कोई। ओहो, तो इवनिंग के टाइम हवा भी चलो ठीक ही चलती है, मैक्सिमम इतनी ज़्यादा गंदी भी नहीं चलती, लेकिन गर्म गर्म चलती है, तो क्या करें, करते हैं मैनेज और चलते हैं धीरे धीरे। हाँ, तो और पिछले जो ब्लॉग्स तो आपने देख ही लिए होंगे, तो अच्छे खासे मतलब रिस्पांस मिल रहा है उन पर। तो GoPro मेरा नहीं है यार, मेरे को बहुत सारे बंदे DM कर रहे हैं कि भाई GoPro ले लिया आपने, GoPro ले लिया। भाई गाइस, GoPro मेरा नहीं है, ये अखिल भैया के, अपने RC390 वाले भैया, तो उन्होंने हेल्प की है, तो थैंक्स अलॉट उनको बहुत सारा। तो चलिए निकलते रहते हैं, आप बाकी अपना भी ले लेंगे यार, क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता यार कि चलो कोई बात नहीं है, मेरा है उनका एक ही बात है, हम में वो बात नहीं है, जब जिसका मन करे यूज़ कर लिया भाई। तो पहुंच गए हैं हम सेंटर जेल, बंदा क्या कर रहा था यार, ये सेंटर जेल के बाहर पहुंच गए हैं, और बाकी के दोस्तों को लेते हैं और फिर आगे जाके निकलते हैं। हाँ, आज हम राइड, क्योंकि अपने चट्टे बट्टे ऊपर ही बैठे हुए हैं, और यार यहाँ पे छोटे छोटे कंकर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, ये देख सकते हो, हैव यू सीन दिस। यार इनसे बच के, क्योंकि भाई यही करते हैं हमारे टायरों को पंचर। हाँ, तो साफ साफ रास्ते से निकलते जाओ और चलते जाओ। बाकी यार सीनरी देखो, सिटी एरिया से ज़्यादा मैं ये एरिया प्रेफर करता हूँ, मोटो व्लॉगिंग के लिए भी, घूमने के लिए भी, एनी चीज़ के लिए यार, खास करके यार पार्टी शार्टी के लिए, क्योंकि शोर शराबे से दूर जितना बंदा इंजॉय कर सकता है ना, इतना भाई सिटी में कितनी भी बढ़िया जगह क्यों ना हो, शोर शराबा होता है, बंदे को वो मतलब इंजॉयमेंट फील नहीं होता। कोई बात नहीं, हम तो भाई इधर ही आते हैं, हमारी जगह यही है, हम मेरा घर पास है यहाँ से, तो चलते रहते हैं भाई आगे जाके। ट्रक वाला देखो चचा क्या क्या करते जा रहा है, तो कोई बात नहीं, आगे चलते रहो भाई, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। तो ये देखिए, एक महाशय बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये देखो, ये शक्ल लग रही है, ये देखो दांत देखो कैसे निकाल रहे हैं। हाय फ्रेंड, हाउ आर यू? फाइन फाइन, क्या हाल है? और भाई की बाइक तो देखो, और हल को तो सभी जानते हैं भाई, 390, और बहुत ख़तरनाक वाली भाई, और ये भी 390 है हमारे पास RC अखिल भैया की। तो भाई दोनों की, दोनों बाइकें तबाही है, तबाही जिसे बोलते हैं। तो मेरे पिछले व्लॉग में मतलब मेरे को बहुत सारे बंदों ने बोला था कि भाई RC और 390 ड्यूक का कंपैरिजन निकाल लीजिए कि कैसा निकलता है कैसा नहीं। तो भाई सीधी सी बात है, जिस किसी को मतलब कि फेरियन बाइक चाहिए वो है RC, तो RC के बाद अगर जिसको मतलब ख़तरनाक बाइक चाहिए, जो मतलब कि हर एक चीज़ होती है, हर एक चीज़ होती है, तो वो है अपनी भाई ड्यूक इन द सेंस, क्योंकि भाई ड्यूक है। इस पे तो आपको मतलब रेसिंग करनी हो, कुछ भी करना हो, तो
वो चीज़ मिल जाएगी आपको एकदम फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास इन द सेंस कि आपको थकावट फर्स्ट नहीं होगी, और पिलियन जो है वो भी मज़े से बैठेगा, पावर आपको ड्यू से मतलब कि ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो फर्स्ट टॉर्क होती है वो है भाई ड्यू, ड्यू सबसे आगे निकलती है। और भाई सेकंड थिंग आ गई हमारी आरसी, आरसी का ये मज़ा है। तो बाकी मैं बात कर रहा था आरसी की, क्योंकि उसका तो मैंने बता दिया भाई, वो तो उसकी बात करते हैं बाद में। तो ये है, अगर मतलब कि आपको पूरी स्पोर्ट्स की फीलिंग लेनी है, अगर मतलब अच्छी वाली जो जिसे बोलते हैं मोटो जीपी वाली फीलिंग लेनी है, तो भाई वो है आरसी। आरसी मतलब लुक तो अग्रेसिव है ही है, और ऊपर से मतलब लेने में आपको इतना मज़ा आता है इस बाइक को, इतना मज़ा वो आप पता नहीं, आपको मतलब चला के ही पता चलेगा। और बाकी बाइक तो भाई बहुत लाजवाब है, बहुत ख़तरनाक है, टॉर्क एकदम सेम है, लेकिन सिर्फ ड्यू का मज़ा ये है, ड्यू शुरू में निकल जाती है। बाकी बात रही इसके पिलियन की, तो पिलियन की बात इसकी करें तो पिलियन का मतलब कि जैसे आप थोड़ी बहुत ब्रेकिंग करोगे तो भाई पिलियन सीधा आएगा ड्राइवर के ऊपर। हाँ, तो बाकी इसकी बात करें, इसकी तो लुक शार्प है, पिलियन भी मज़े से बैठा होता है, कोई इसका वो नहीं है। और बाकी आप देख तो रहे ही हो हमने क्या लुक बनाई हुई है इसकी, क्या नहीं, पूरा हल्की बनाया है। तो बाकी रही बात दोनों की ब्रेकिंग की, ब्रेकिंग भी ऑलमोस्ट सेम है, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है एकदम, सिर्फ राइडिंग पोजीशन उसमें डिफरेंस है, बाकी इसमें भी बाकी वही है। बाकी रही दूसरी और तीसरी बात, अगर आप बाय द वे ऐसा कभी हो ना, अगर आप गिरोगे तो ये तो भाई सीधी सीधी से आपको बचा देगी, बट इस पे अगर गिरोगे तो भाई बाइक के साथ साथ खुद का ही आपका बुरा हाल होगा, और इसका मतलब कि एक चीज़ टूटेगी तो आपको ये चीज़ पूरी वेरिएंट नहीं डलवाने पड़ेगी, और उसका ज़्यादा से ज़्यादा आप गिरोगे ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत हैंडल क्रैश होगा, कुछ ना कुछ मतलब थोड़ा बहुत ही टूटेगा, ज़्यादा कुछ नहीं। तो हमारे पास देख लीजिए आज कौन सी बाइक है, विप्टीन 250। तो ये अपने मयूर भाई की बाइक को तो आप जानते ही हो कि हमारे से इंस्टाग्राम पे है, तो बाकी ये स्टंट कर रहा है, ओए सेफ्टी डाल ले सेफ्टी। तो बाइक का टेस्ट राइड लेते हैं, तो देखते हैं भाई बाइक कैसी चल रही है, क्योंकि सुना तो बहुत है कि बाइक बहुत अच्छी है, और केजीएफ वाली लुक है इस बाइक की, बहुत सही है यार। तो चलिए भाई, और ये देखो, देखते हैं 1-2 कितनी जल्दी। बहुत सही। ओहो भाई 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 भाई, बहुत खूब यार। सिर्फ ब्रेकिंग का है इस बाइक में थोड़ा सा मतलब डाउट और इशू, बाकी तो बाइक यार लाजवाब है, लाजवाब, बहुत सही बाइक है। तो चलिए भाई निकलते हैं आप फिर से अपनी बाइक की ओर। वाह यार बहुत सही, बेहतरीन पावर है इसमें, खतरनाक वाली पावर भाई, एंड है ये भाई मतलब 250 जो बाइक है वैसा पूरा फील देती है ये बहुत। तो होसो आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट ठोक दो यार। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट प्यारे से मस्त से ब्लॉग में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग इट्स फ्रेम, तो टेक केयर, बाय बाय।